हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। मैं हूं दिशांत और आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा टू मुंबई सेक्शन के पैकेज वन में लेके आया हूं और हम यहां से पैकेज टू में भी जाएंगे और वहां पर काम किस तरह से किया जा रहा है उसको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अभी देख लेते हैं कि पैकेज वन में भायली टू महापुरा जो फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन है उसे किस तरह से किया गया था और वहाँ पर कौन सी डिज़ाइन का यूज़ किया गया है उसे भी बताने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर फ्लाईओवर के स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन को देख पाएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, इससे आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का भी आइडिया लगेगा, साथ ही साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे किस तेज़ी से काम किया जा रहा है उसका भी आप अनुमान लगा पाएंगे। चलिए मैं इस फ्लाईओवर का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भायली टू महापुरा रोड पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट इसको क्रॉस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। यहाँ पर 140 नंबर्स ऑफ पियर का यूज़ किया गया है। आप यहाँ पर अभी इसका 2020 का वीडियो देख पा रहे हैं। यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन कितना तेज़ी के साथ किया गया है उसको भी मैं आगे वीडियो में दिखाऊँगा। अभी आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से पियर का कंस्ट्रक्शन किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं पियर पर पियर कैप का कंस्ट्रक्शन ना करते हुए पियर मफ का डिज़ाइन दिया गया है। आप यहां पर पियर मफ को देख पा रहे होंगे। इसी पियर मफ पर पीएससी गर्डर को प्लेस किया जाएगा और उसके बाद इंटीग्रल डायफ्राम को कास्ट किया जाएगा। उसे भी कैसे किया जाएगा चलिए आगे देखते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं पियर मफ का कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो चुका है और गर्डर प्लेसिंग का काम क्रेन द्वारा किया जा रहा है। पाएंगे गर्डर के नीचे कोई भी बियरिंग प्रोवाइड नहीं किया गया है, इसे स्टैटिक रखा गया है। आप यहां पर देख सकते हैं गर्डर को किस तरह से प्लेस किया गया है। उसके बाद सभी गर्डर को इंटीग्रल डायफ्राम से कनेक्ट किया जाएगा। अब आप टॉप व्यू से देख पाएंगे यहाँ पर अलाइनमेंट इस फ्लाईओवर को किस तरह से क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर किस तरह से डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर आप अलाइनमेंट पोर्शन देख पा रहे होंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ गर्डर है वो यहाँ पर इसी तरह से ओपन रहेगा और सेंटर पोर्शन में जहाँ पर ये अलाइनमेंट क्रॉस कर रहा है वहाँ पर अभी स्लैब का कंस्ट्रक्शन जारी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उस हिस्से में अभी कुछ पोर्शन में स्लैब का कंस्ट्रक्शन हो चुका है और कुछ हिस्से में डेक प्लांक का इरेक्शन अभी जारी है। आप यहां पर क्लोज व्यू में देख पाएंगे गर्डर में किस तरह से स्टील प्रोवाइड किया गया है और किस तरह से डेक स्लैब का यहां पर पोजीशनिंग किया गया है। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डेक स्लैब का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है उस पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ डेक स्लैब का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है, उसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन साइट आपको कंक्रीट की क्वालिटी से लेकर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप स्लैब कास्टिंग पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे
से किया गया है, यहाँ से बॉटम से गैस पाइपलाइन जा रहा है, इसीलिए इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या कोई भी नेशनल हाईवे पर जब अलाइनमेंट किसी गैस पाइपलाइन और या फिर वाटर पाइपलाइन को क्रॉस करता है तो वहाँ पर इसी तरह से ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा है जिसमें इंटीग्रल डायफ्राम और डेक स्लैब का काम अभी बचा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आरी वॉल का कंस्ट्रक्शन आरी पैनल के द्वारा नहीं आरी ब्लॉक के द्वारा किया जा रहा है। आप यहाँ पर कुछ हिस्सों में देख सकते हैं आरी ब्लॉक के द्वारा आरी वॉल का कंस्ट्रक्शन किया गया है। यहाँ पर जब आप टॉप व्यू से इस ब्रिज को देखेंगे तो ये सेम उसी तरह से भायली और महापुरा वाले ब्रिज की तरह दिखेगा, इसका डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम है। जब हम टॉप व्यू से इस ब्रिज को देखते हैं तो ये सेम उसी ब्रिज का रिप्लिका की तरह नज़र आता है, पर यहाँ पर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन गैस पाइपलाइन होने की वजह से किया गया है। और इस ब्रिज से आगे की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से इंटरचेंज स्टार्ट हो चुका है और इंटरचेंज का लूप और रैम्प का कंस्ट्रक्शन किया गया है जिसमें अभी DLC और PQC करना बाकी है। कुछ पोर्शन में DLC हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पोर्शन में DLC किया गया है, पर अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी बचा हुआ है। यहाँ पर इंटरचेंज का कास्टिंग किस तरह से किया गया है और यहाँ पर इंटरचेंज पार्शल क्लोवर लीफ है, फुल क्लोवर लीफ नहीं है। अगर आप उस पर वीडियो पूरा डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरचेंज का कंस्ट्रक्शन कहाँ से रैम्प, कौन से रैम्प से आप इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री ले पाएंगे और एग्ज़िट कहाँ से ले पाएंगे वो उस वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है।